नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं एमको न्यूज। मेरे संग मैं मोहम्मद शब्बीर। मैं बात करता हूँ वसीम रिजवी की। जी हाँ, वही वसीम रिजवी जिन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था कुरान मजीद के ऊपर में कि कुरान मजीद के अंदर में वो 26 आयत है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। जी हाँ, आज वसीम रिजवी की एक नई वीडियो जारी हुई, गुज़िश्ता एक दो दिन पहले की बात है, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी ने एक नया कुरान बनाया है, जिन्होंने वो 26 आयतों को हटाकर एक नया कुरान बनाया है और वो कुरान का एक कॉपी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को भेजा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है।